किसान भाइयों, मेरा नाम छत्रपाल सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एग्रो छत्र। किसान भाइयों, इस वीडियो में आपको गेहूं के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी, कौन सी बीमारी आती है, कौन सा इंसेक्ट आता है गेहूं की फसल में। कुछ किसान भाइयों की जो गेहूं की फसल है वो निकलने लगी होगी, कुछ किसान भाइयों की जो गेहूं की फसल है वो सीके में होगी, और हमारे कुछ किसान भाई ऐसे होंगे जिनकी गेहूं की फसल है जो छोटी होगी। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में पूरी जानकारी दी गई है बीमारी के बारे में, इंसेक्ट के बारे में और फर्टिलाइजर के बारे में। तो किसान भाइयों, शुरुआत करते हैं फर्टिलाइजर से। जिन किसान भाइयों की जो गेहूं की फसल है वो निकलना स्टार्ट हो चुकी है, उन किसान भाइयों को बताया जाएगा कि जो आपको एनपीके फर्टिलाइजर लेना है, एनपीके घुलनशील वाला, वो आपको लेना है 1261-0 की बात करेंगे तो आपको आधा किलो लेना है एक एकड़ के हिसाब से। इसके साथ साथ आपको दूसरा इसमें फर्टिलाइजर डालना होगा एनपीके 052-34। तो दोनों जो फर्टिलाइजर है उनकी डोज आपको आधा आधा किलो लेनी है, 500 ग्राम, और दोनों को मिला लेंगे तो आपका ये एक किलो तैयार हो जाएगा। इसके लगाने से आपकी जो दाना बनेगा अच्छा बन के निकल के आएगा और आपका जो वाली है वो अच्छी बनेगी। तो किसान भाइयों, इस चीज का विशेष ध्यान रखना है, आपको जो फर्टिलाइजर की डोज लेनी है वो 1261-0 की लेनी है आपको आधा किलो, और 052-34 की लेनी है आधा किलो। तो दोनों को मिलाकर एक किलो तैयार कर लेंगे और अपने खेत में छिड़काव लगा देंगे। अब कुछ किसान भाइयों की जो फसल है वो छोटी है, इसमें पीलापन आ रहा है। तो किसान भाइयों, इस साल जो पीलापन की समस्या है बहुत ज्यादा खेतों में देखने को मिली है। मैंने खुद जाके विजिट किया, खेतों पे देखा तो बहुत ज्यादा समस्या आई है। तो जो पीलापन है वो फंगस की वजह से बहुत ज्यादा आया इस बार। तो किसान भाइयों, उससे खत्म करने के लिए कई कई बार लोगों ने स्प्रे किया है और कई कई तरीका के फंगिसाइड किया है। तो मैंने जो अच्छा रिजल्ट देखा है, जो अच्छा रिजल्ट कंट्रोल हुआ है, वो बायर कंपनी का बोनस आता है उसके लगाने से बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट आया है। तो उसकी जो डोज लेनी है आपको 1 ml 2 लीटर पानी के हिसाब से लेनी है बोनस की, जिससे आपकी जो पीलापन है गेहूं का वो किसान भाइयों दूर हो जाएगा बोनस के लगाने से। और इसके बाद नंबर 3 पर आता है किसान भाइयों, जो माव की समस्या, इस साल मौसम थोड़ा सुस्त होने की वजह से माव की बहुत ज्यादा समस्या आई है। तो किसान भाइयों, माव को खत्म करने के लिए आपको लेना होगा बायर कंपनी का, आपको लेना होगा सोलोमन। किसान भाइयों, जो सोलोमन आता है उसके लगाने से आपकी जो माव की समस्या है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी और आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके साथ साथ आप ले सकते हैं भारत कंपनी का पेले। पेले की जो डोज रहेगी आपकी 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से रहेगी, उसके लगाने से भी जो आपकी माव की समस्या है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी और किसान भाइयों आपको अच्छी पैदावार मिलेगी। जैसा कि किसान भाइयों, आपको अगर ज़्यादा समस्या आती है या कुछ ऐसी परेशानी आती है तो मेरा जो नंबर दिख रहा है आपको डिस्प्ले पे, ये भी आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपको जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।